जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि साखी गौरी सा। हरे कृष्ण में सभी दर्शकों को, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत सुंदर हो, स्वस्थ हो और अपनी लाइफ में हंस रहे हो और आपने जो मांगा था वो आपको मिल रहा है और आप उसे अचीव कर रहे हो। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं चर्चा करूँगा कि हनुमान चालीसा के बेनिफिट्स क्या हैं, जब आप इसे चैंटिंग करते हो तो आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेज आते हैं और निरंतर इसके पाठ से आपको क्या क्या विशेष लाभ मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और अगर आप नए व्यूअर हो तो बता दूं आपको, मेरा नाम प्रशांत शर्मा, मैं एक डेंटिस्ट हूँ, आई एम अ डेंटल डॉक्टर, मैं दांतों का डॉक्टर हूँ बट स्पिरिचुअल वीडियोस देता हूँ। मैंने गायत्री मंत्र के ऊपर वीडियोस दिए हैं, मैंने महामृत्युंजय मंत्र के ऊपर वीडियोस दिए हैं और हनुमान चालीसा के ऊपर भी दिए हैं, आप उन्हें जाके चेकआउट कर सकते हो। और ये वाली वीडियो जो है हनुमान चालीसा के विशेष लाभ के ऊपर है, तो इस वीडियो को कम्प्लीट देखिए, संपूर्ण देखिए। कम्प्लीट देखने के बाद, संपूर्ण देखने के बाद इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ऑल राइट, और बिना शेयर किए मत जाइएगा, ऑल राइट। और कमेंट में बताइएगा कि हनुमान जी की चालीसा आप पाठ करते हो या नहीं, और अगर आप अब तक नहीं करते थे तो बहुत दिनों के बाद क्या लाभ आपको मिले हैं, कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो हनुमान चालीसा है, ये गोस्वामी तुलसीदास ने, हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त थे, तो उन्होंने उनके उस पर डिस्कवर किया था और लिखा था, इनको चौपाई को लिखा था, चालीसा को लिखा था। तो इस चालीसा को हमें हमेशा करना चाहिए, क्योंकि इससे हनुमान जी खुद अट्रैक्ट होते हैं और अपने भक्त जन जितने भी हैं उन पर कृपा बरसाते हैं। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उससे बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि इसको कैसे पढ़ना है। आप या तो हर दिन पढ़ सकते हो, सुबह उठ के नहा धो के फ्रेश होके हनुमान चालीसा का पाठ करके फिर भोजन करके आप अपने काम पर जा सकते हो, या फिर शाम को पढ़ सकते हो। दो वक्त आप शाम को, संध्याकाल को समय पढ़ सकते हो, जैसे कि मैं पढ़ता था पहले, बट अभी ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मैं एक ही वक्त पढ़ता हूँ, एंड वो है सुबह का वक्त, जब मैं नाश्ता वगैरह करके अपने जॉब के लिए जाता हूँ तब सुबह पढ़ता हूँ। या फिर आप ट्यूसडेज और सैटरडेज़ को, माफ़ कीजिएगा, आप ट्यूसडे और सैटरडेज़ को, मंगल और शनि, इन दोनों बार को आप हनुमान मंदिर में जाके पढ़ सकते हो, या घर में बैठ के आप, जैसे मैं बताया आपको, सुबह फ्रेश होके नाश्ता करने से पहले एंड शाम को आप कर सकते हो, ऑल राइट। तो जब आप इसका 21 दिन के पार आप निरंतर इसका पाठ करते हो तो आपको बहुत सारी चेंजेस मिलती हैं। तो वो सारी चेंजेस हैं, पहली है कॉन्फिडेंस आपका बहुत बढ़ता है, आप बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हो, कोई भी सिचुएशन परिस्थिति आपके सामने आए आप डगमगाते हो नहीं, आप मतलब सोचते हो कि मतलब ये मुझसे हो जाएगा, डाउट नहीं रहता आपके मन में। जैसा भी सिचुएशन आए, आपसे स्ट्रॉन्ग सिचुएशन आए या आपसे वीक सिचुएशन आए, आप उसको हैंडल कर लेते हो, ऑलराइट। उसके बाद आपकी जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, आपके अंदर की जो शक्ति है, वीर की शक्ति है, सीमन की शक्ति है, वो बढ़ती है आपकी, और आप हर तरह से अट्रैक्टिव बनते हो। हनुमान जी इतने सुंदर थे कि लोग उनसे, स्त्रियाँ उनसे ऐसे ही अट्रैक्ट हो जाती थी, बट वो ब्रह्मचारी थे, वो कभी भी गलत नज़र से स्त्रियों को नहीं देखते थे, सबको अपने माँ समान सोचते थे। तो इसीलिए आपके अंदर भी जो है, जब जीवनी शक्ति बढ़ेगी तो आप हर औरत को, हर जेंडर को, आप हर मतलब औरत और मेल, फीमेल, सब जितनी प्राणियाँ हैं उन सब प्राणियों को रिस्पेक्ट करोगे आप, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका बल बढ़ेगा, आप जो है बहुत ही शक्तिशाली बनते हो इसका पाठ करने से ही। इसका मतलब ये नहीं कि आप ख़राब चीज़ें खाओगे और शक्तिशाली बन जाओगे, नहीं, आपको एक नियमित पौष्टिक सात्विक आहार करनी होगी तभी इसका फल आपको मिलेगा। हनुमान चालीसा को आप भक्ति के साथ पढ़ते हो, प्योर के साथ पढ़ते हो, प्योर फेथ के साथ पढ़ते हो ना, आपको बहुत सारी बेनिफिट्स मिलती हैं। बल के साथ आपकी बुद्धि भी बढ़ती है, अगर आप थोड़े से मतलब चीज़ों को ग्रैस्प करने में, आप स्टूडेंट हो ऑब्वियसली, अगर आप पढ़ाई में थोड़े से वीक हो या फिर आप ग्रैस्प करने में आपको मुश्किल हो रहा है, समझने में आपको मुश्किल हो रहा है, निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए हर दिन। आप अगर स्टूडेंट हो, आपकी ब्रेन जो है, बुद्धि है, उसकी विकास होगी। सप्लीमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं लेने को, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और रिलेशनशिप से दूर रहिए और हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ कीजिए, आपको जो है स्टूडेंट लाइफ में बहुत ही फ़र्क दिखेगा। मुश्किल से मुश्किल काम बन जाते हैं, मुश्किल से मुश्किल काम जो है, संकट जो है वो मिट जाता है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी का नाम जो भी लेता है उसके लाइफ में कोई संकट होता नहीं है, ईजिली उसका लाइफ बीतता है, उसके लाइफ में कोई किसी चीज़ का तनाव नहीं रहता, कोई स्ट्रेस नहीं रहता, किसी चीज़ का मतलब उसको डाउट नहीं रहता, हर चीज़ जो परिस्थिति उसके सामने आती है उन सबको हंस के वो पार कर लेता है। तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस है तो वो हंस के पार कर ही लेगा, तो इसलिए हनुमान जी उस पर कृपा करते हैं। हनुमान जी का नाम जो भी लेता है ना, हनुमान जी उनके आसपास हमेशा मौजूद रहते हैं प्रोटेक्शन के लिए। इसलिए आप देखना, जब भी कोई गाड़ी चलती है या फिर जब भी आप यात्रा कर रहे हो तो देखना हनुमान जी लटके हुए रहते हैं, क्यों? क्योंकि हनुमान जी जो हैं वो संकट, एक्सीडेंट्स, उन सब से बचाते हैं। और अगर आप
मोटरसाइकिल चलाते हो और अगर आप पॉसिबल नहीं है आपका उस चीज़ को हनुमान जी के उस मॉडल को मतलब लटकाना, तो फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ करके आप किसी यात्रा पे निकल सकते हो, तो आपका यात्रा बहुत ही मंगलमय होता है ऐसा कहा जाता है, और एक्चुअली भी मंगलमय होता है। मैं खुद राइड करता हूँ बाइक्स, आपने मेरे वीडियोज़ देखे होंगे, तो मैं खुद हनुमान चालीसा का पाठ करके निकलता हूँ एंड आई डोंट मीट विथ एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटीज़ और यू नो एक्सीडेंट्स वगैरह कुछ ऐसा नहीं होता। तो भगवान जी की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है कि हम सब स्मूथली स्लोली आगे बढ़ते हैं और हमारी लाइफ में जो है बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो है हम अट्रैक्ट करते हैं। ये वाली पॉइंट है कि आप बहुत सुंदर होते हो, आपका जो है फेस, आपका जो ललाट है वो बहुत ही सुंदर होता है और यू अट्रैक्ट पीपल। ऐसा बात नहीं है कि आप सुंदर बनते हो तो आप किसी को भी किसी के पीछे लग जाओ या फिर कोई आपके पीछे लग जाए, ऐसी बात नहीं है। आप सुंदर बनते हो दैट मीन्स आपके मुंह में जो है, आपके चेहरे पे जो है एक ललाट में जो है ब्रह्मचर्य की और हनुमान जी की शक्ति की एक जो झलक है वो दिखती है कि हाँ हम हनुमान जी के भक्त हो और हनुमान जी ने आपकी कृपा बरसाई है, तो उस चीज़ की आपकी मुंह पे ललाट पे एक रोशनी दिखती है, एक मतलब आप रिफ्लेक्ट करते हो लोगों पे कि हाँ आप ब्रह्मचारी हो और आप भगवान हनुमान जी के एक परम भक्त हो, तो हनुमान जी आपके साथ हमेशा रहते हैं और किसी भी तरह की नेगेटिविटी आपको नहीं देते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब हनुमान जी आपको प्रदान करते हैं, सिद्धियाँ प्रदान करते हैं, अगर आप स्पिरिचुअल थिंग में आगे चलो, स्पिरिचुअलिटी में अगर और आगे जाओ आप। ऑब्वियसली मैं काम करता हूँ, मेरा वर्क है, मेरा जॉब है, तो मैं स्पिरिचुअलिटी में शायद इतना आगे नहीं जा पाऊँगा, बट जितना भी हूँ मैं, जहाँ भी हूँ, हनुमान जी और श्री कृष्ण जी और महादेव जी मेरे रक्षा कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि भगवान जी मुझे और आगे स्पिरिचुअलिटी में सक्सेस दे। मैं योग मेडिटेशन भी कर रहा हूँ और हनुमान जी के साथ मेरा अच्छा नाता भी बन चुका है और श्री कृष्ण भी मेरे साथ हैं, तो मैं भी चाहता हूँ कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करो हर रोज़ और पाठ करके अपना जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है लाइफ के उन सबको अट्रैक्ट करो। बल बुद्धि विद्या देहु मोही हर हो कलेश विकार, विकार कलेश जितने भी हैं, जितने भी नेगेटिविटीज़ हैं वो सब हर लेते हैं हनुमान जी, और बल बुद्धि विद्या भी आपको देते हैं और लाइफ में जो भी आपको अचीव करना है वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं, प्रदान करते हैं, और आप मतलब खुश होते हो उस चीज़ को पाके। बट हाँ, कभी अहंकार मत करना। हनुमान जी का एक क्वालिटी है कि वट एवर वर्क ही डू ही डोंट टेक क्रेडिट ऑन हिज ओन, ठीक है वो खुद क्रेडिट नहीं लेंगे, वो कहेंगे कि भगवान श्री राम ने ही सब कुछ किया है। ये एक सच्चे भक्त की पहचान है और एक सच्चे इंसान की पहचान तभी होती है जब वो झुका हुआ रहता है, बहुत ही हम्बल होता है, चाहे वो अच्छे लोगों के साथ हो बुरे लोगों के साथ हो। अगर वो बहुत ही हम्बली रहेगा ना तो उसका नाम और यश बहुत होगा, बट फिर भी हनुमान जी का ये कहना है कि ना मुझे यश चाहिए, ना मुझे कीर्ति चाहिए, ना वैभव चाहिए, मुझे बस राम जी का नाम चाहिए। दैट मीन्स वो इतने हम्बल हैं कि वो बस राम जी का ही नाम लेना चाहते हैं। उनको मतलब कोई यश नहीं चाहिए, कोई कीर्ति नहीं चाहिए, ना पैसे की ज़रूरत है, ना कुछ फेम, एवरीथिंग। सोचो ब्रह्मचारी हैं, उनके पास सब कुछ अपने आप आ रहा है, बट फिर भी वो मतलब एक्सेप्ट करने के लिए मतलब मंजूर नहीं है कि मुझे ये सब चाहिए, मुझे बस राम जी का नाम चाहिए। इसलिए आप भी राम जी के भक्त बनो, राम जी का नाम आप भी लो और हनुमान जी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करो, श्री कृष्ण जी को अट्रैक्ट करो। आपको क्या क्या चाहिए वो सब कुछ मिलेगा, वेल्थ, प्रॉपर्टी, एवरीथिंग, रिलेशनशिप्स, एवरीथिंग अच्छे से बनेंगे आपके। आप वीर्यवान बनते हो, आप एक अच्छे ब्रह्मचारी बनते हो और आपका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल चेंज होता है एंड यू स्टार्ट टू सी थिंग्स इन अ पॉजिटिव वे। तो बहुत ही धन्यवाद आपका, आपने यहाँ तक देखा, मेरे बाकी ये वीडियोज़ को भी देखिए, आई बटन में है आ रहा हुआ ऊपर और डिस्क्रिप्शन में भी नीचे है। आई होप आपने पूरा वीडियो देखा होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य कीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद, और मेरे आगे के वीडियोज़ को भी देखिए और मेरे पिछले वीडियोज़ को भी देखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हरे कृष्णा, एंड आई होप यू हैव अ ग्रेट लाइफ।